ते जे हे होतं ना ते पिन कुठे दुसरी येतो आवाज. गुड मॉर्निंग, आवाज येतो मुलांना? यस, थँक्यू थँक्यू सो मच, थँक्यू. आवाज येतोय ना? ओके डन, कोई बात नहीं. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और आज हम बात करने वाले हैं नया यूनिट 11 साइंस का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन से टॉपिक है, और फिर आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उससे शुरू करेंगे. दोस्तों ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, नाउ व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन फिजियोलॉजी और व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शंस. फिजियो का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मल फंक्शंस. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद, एक मेडिकल साइंस के ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद नॉर्मल स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फिजियोलॉजी. और स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, उसे कहेंगे दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी. दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी. सिंपल, इन द ह्यूमन बॉडी, उसे कहते हैं दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी. एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये. ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी, उसे कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जैसे कि सर्कुलेशन है, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है, मान लो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये अलग 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 ये है दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल what are the normal functions in human body. So dosto wo jo normal functions hai, these are number 1, that is digestion of food. This is the normal function. Digestion and absorption of food. Number 2 dosto, that is the breathing or respiration. Dusra function kya dosto? That is breathing of gases or exchange of gases. Dosto, breathing, that is exchange of gases. Ya phir simply hum breathing kahenge. Number 3, that is the transport of substances, gases from one place to another place. That is also normal function. Number 4, that is dosto, excretion of nitrogen waste, excretion and maintenance of osmotic regularity, इसे कहते हैं osmoregulation, maintenance of osmotic balance, उसे कहेंगे osmoregulation. So दोस्तों, that is excretion and osmoregulation. फिर और एक normal function है, that is a locomotion. It is an ability of person to move from one place to another place. और number 6 पे दोस्तों, that is control and coordination. Here is the nervous system and endocrine system. They play very important role in control and coordination of different system. याद रख. तो ये कुछ normal function है दोस्तों जो हमारे syllabus में. इस normal function में और जो chapter है, okay, जो topics है दोस्तों, topics, okay, in this unit human physiology, we are going to study the digestion of food in topic दोस्तों. Digestion and absorption. MCQ नहीं आएगा इसके ऊपर. Digestion and absorption नाम का टॉपिक है. वहां पे हम बात करेंगे कि how food are digested and how it is absorbed. What are the different part of digestive system like alimentary canal and associated digestive gland, liver, pancreas, salivary gland, mouth, oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. फिर दोस्तों ब्रीदिंग जो होता है, एक्चुअली इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. मैंने कहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं ब्रीदिंग. और इसके लिए एक टॉपिक है दोस्तों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसके लिए एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होता है ब्रीदिंग दोस्तों। ये ब्रीदिंग की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी कोविड के चलते कि लोगों को ब्रीदिंग ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हो। ब्रेथलेसनेस मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि जो मेन ऑर्गन है ब्रीदिंग का, दैट इज अ लंग्स, वो अफेक्ट हो रहा है, उसमें पानी भर रहा है, निमोनिया हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये टॉपिक जानेंगे ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉम नोज टू अल्वियोला ऑफ लंग्स, नोज क्या होता है, नेसोफैरिंक्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, फैरिंक्स क्या है, ट्रकिया क्या होती है दोस्तों, फिर ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स, और लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, और वो ब्रीदिंग कैसे स्मूथली करता है। और जो ब्रीदिंग जो है दोस्तों, मेनली इट इज फॉर टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड टू रिलीज द हार्मफुल CO2 आउटसाइड अवर बॉडी, इसके लिए है। और ऑक्सीजन, यू ऑल नो दैट इट इज नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे क्या होता है दोस्तों, दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू वाटर CO2, एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसके लिए लगेगा ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस CO2 बनेगा। तो ऑक्सीजन लगना है इस प्रोसेस को, सेलुलर रेस्पिरेशन को, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके दरमियान CO2 बनता है, तो उसे बाहर फेंकना होता है, क्योंकि CO2 हार्मफुल है, टॉक्सिक है। तो इसलिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो भी हम सब्सटेंसेस दोस्तों, याद रखो, हम जो फूड इंटेक करते हैं उसे कहते हैं इंजेशन, फिर उसका होता है डाइजेशन, और फिर फूड, उस डाइजेस्टेड फूड का होता है एब्जॉर्प्शन। नाउ ये जो सब्सटेंसेस हम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे जैसे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, मान लो जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड्स है, या फिर ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, जो भी सब्सटेंसेस हम एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर नीडेड टू बिल्ड अवर बॉडी, दे आर नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, दे आर नीडेड फॉर मेनी अदर फंक्शन इन अवर बॉडी, सो दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन। तो उनके लिए कुछ मीडियम चाहिए, दे हैव टू बी सर्कुलेटेड टू द टारगेट सेल। इसीलिए हमारे बॉडी में नेचर ने, जो नेचर, कोई उसे गॉड बोलता है, कोई उसे भगवान बोलता है, तो ये जो नेचर है, नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप की है, उसका नाम है दोस्तों सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो जो बॉडी फ्लूड है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक बॉडी फ्लूड है, दैट इज मेन बॉडी फ्लूड इज ब्लड, और उस ब्लड के द्वारा ये जो सब्सटेंसेस जो हमने डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब किए हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमने गैसेस ब्रीदिंग किए हैं, जिसका हमने ऑक्सीजन लिया है, या फिर हमें CO2 बाहर फेंकना है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर थ्रू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है RBC के अंदर। तो दोस्तों, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस किसकी वजह से होता है, इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूड। तो बॉडी फ्लूड मीन्स मेन बॉडी फ्लूड है ब्लड, और दूसरा एक बॉडी फ्लूड जिसका नाम है लिम्फ, और टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन। वाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। नाउ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ जब भी दोस्तों, याद रखो, जब भी क्या होता है कि जब भी हम ग्लूकोज या फिर प्रोटीन या फिर लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, खास करके प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करते हैं, तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर बनती है। मान लो आप आपके घर में रहते हो, आपके घर में कोई मेड है, या फिर जो कोई भी है, काम करता हो, घर साफ सुथरा रखता हो, चाहे आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने घर 8-10 दिन या फिर 15 दिन या फिर महीना भर उसको साफ ही नहीं किया हो, क्या हो जाएगा दोस्तों, घर गंदा हो जाएगा। घर गंदा, झाड़ूनच काढ़ लेना है, पुसून घेतलं नाही, काय होणार नाही, जसं कचरा पडला तसं पडू दिला, काय होईल, घर गंदा हो जाएगा। और घर गंदा होने के कारण फ्लाईज, हाउस फ्लाय, वो सब अलग अलग मॉस्किटो आ जाएंगे और आपको डिसीज हो जाएगा। तो वैसे ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, वो वेस्ट हमेशा बाहर फेंकना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। और उसकी वजह से जो है ये बॉडी फ्लूड है, उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है एट नॉर्मल लेवल। तो इसीलिए एक टॉपिक है दोस्तों, ये दो प्रोसेस है, एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूड। इसके लिए NCERT ने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्या नाम है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन से है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। और उनका एलिमिनेशन कैसा होता है, और इसके लिए दोस्तों रीनल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट इज किडनी एलिमिनेशन। वो बॉडी के बाहर, बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं, और उसके लिए हम रीनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नाउ दोस्तों, फिर आता है लोकोमोशन। वी ऑल नो दैट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोस्तों ये है मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट, ये है मेरे हाथ की मूवमेंट, पर ये लोकोमोशन है क्या? नहीं। लोकोमोशन क्या है?
लोकोमोशन, अ मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लोकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज अ लोकोमोशन। इट इज एन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके लिए हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है और मसल सिस्टम है। तो हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम मीन्स बोन है, 206 हड्डियां होती है। डायलॉग है मुन्ना भाई एमबीबीएस में, पता है क्या सर कितने को अपने बॉडी में ना 206 हड्डियां होती है? हाँ भाई मुझे पता नहीं, पर तोड़ते वक्त थोड़ी हम सोचते हैं कौन सी हड्डी टूटने वाली, तो ऐसा कुछ तो डायलॉग है। सो 206 जो बोन्स है हमारे बॉडी के अंदर, तो उनका डिटेल स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ेंगे, पर उनका जो मॉर्फोलॉजिकल है या फिर सुपरफिशियल जो दिया है हमारे सिलेबस में, तो बोन के बारे में पढ़ेंगे। और डू यू नो दैट एक्शन ऑफ मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। तो एक टॉपिक है दोस्तों, दैट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट। टॉपिक का नाम है दैट इज अ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस मूवमेंट, देन टॉपिक लोकोमोशन मूवमेंट। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है दो तरह के होते हैं। गॉड ने क्या किया, ये सब सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम तो बना दिए। ऑर्गन सिस्टम क्या क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया, एक्सक्रेटरी सिस्टम बना दिया, लोकोमोटरी सिस्टम बना दिया, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम। पर उसे लगा कि इन सब के ऊपर ये अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अगर उन्हें काम करना है, तो इनके ऊपर कोई तो भी इसका कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम चाहिए, ऐसा लगा। फिर उन्होंने क्या किया, नर्वस सिस्टम डेवलप किया। देखो नेचर ने क्या किया, एक नर्वस सिस्टम डेवलप किया जिसमें दोस्तों ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर उसके अलग अलग पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड फंक्शन उसके अलग अलग पार्ट है। हम टॉपिक में जाकर डिटेल में बात करेंगे, पर ब्रेन डेवलप किया, नर्व स्पाइनल कॉर्ड डेवलप किया, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के द्वारा वो बाकी के ऑर्गन सिस्टम को सिंक्रोनाइज मैनर में कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा हमारी बॉडी। वो होता रहा, पर फिर नेचर को कुछ ऐसा लगा कि अरे एक कंट्रोल सिस्टम होने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें दो कंट्रोल सिस्टम चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है इट इज वेरी फास्ट, इसका जो एक्शन है वो खूब बहुत ही फास्ट था, बट उसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टाइम के लिए था, उसका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए था। मान लो कि व्हाइल मेकिंग अ टी इन मॉर्निंग आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ओके चाह करते बस मैं कहते टच के लिए हॉट ऑब्जेक्ट, देन आई सडनली विड्रॉ माई हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, डू यू नो दैट, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पता चला कि कोई तो भी एक स्टिमुलस आया है, जैसे कि हाई टेम्परेचर, उसकी वजह से पेन हुआ है, तो वो हाथ वहां से हटाना देना चाहिए। तो ये एक्शन बहुत ही फास्ट है, बट इट इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बट दोस्तों हम जब बनते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर जब फीटस, और फीटस से फिर न्यू बॉर्न से टीनेजर, टीनेजर से एडोलेसेंट, एडोलेसेंट से एडल्ट, फिर हम बुढ़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी तो किसी ऐसे कुछ सिस्टम चाहिए सब कंट्रोल करने के लिए। तो नेचर ने दो सिस्टम बनाए कंट्रोल करने के लिए, एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम, वो हार्मोन रिलीज करती है। तो हार्मोन्स और केमिकल्स, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं जो हमारे बाकी के सब सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें दो टॉपिक आएंगे। एक होगा दोस्तों, पहले बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप बोर्ड के बुक में जाओगे तो ये टॉपिक एक ही है, पर एनसीईआरटी में ये दो अलग अलग टॉपिक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और लास्ट वाला है दोस्तों केमिकल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है दोस्तों, याद रखो इट इज रिलेटेड टू द हार्मोन। तो ये इतने सारे टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। नंबर वन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, नंबर टू दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नंबर थ्री बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, नंबर फोर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, नंबर फाइव लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोस्तों, नंबर सिक्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नंबर सेवन दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और ये जो पूरे टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, ये जो पूरे टॉपिक है हम इसे डिटेल में जानेंगे। लेट स्टार्ट विद द टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दिस इज स्लाइड नंबर वन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ये आपके सामने है, समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों? नया नोटबुक बना लो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, नया नोटबुक बना लो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, नया नोटबुक आज अगर आपके पास नहीं है तो दूसरे किसी तो भी रफ बुक में लिखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए मुझे नया नोटबुक चाहिए, नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर लिखो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके ऊपर लिखो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये अभी दोस्तों पता है ना,
दुनिया में कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन क्यों ना हो, हमारे बॉडी जैसा कॉम्प्लिकेटेड मशीन आज तक बना नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी है इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ऐसा मशीन आज तक बना नहीं है। और एक बात बोलू, फतेह की बात, दुनिया में दोस्तों अभी तक ऐसा कोई मैकेनिकल डेवलप नहीं हुआ है जो चालू मशीन को ठीक कर सके। जो मशीन चल रही है और फिर भी उसको वो रिपेयर कर रहा है, ऐसा कोई मैकेनिक नहीं हुआ है। वो पहले मशीन को बंद करता है और फिर जाके उसको रिपेयर करता है, हाँ या नहीं? पर डॉक्टर कुछ ऐसे है दोस्तों, डॉक्टर कुछ ऐसे लोग हैं जो चालू मशीन को रिपेयर करते हैं। अगर चालू मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है, ये चालू है, शुरू है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको रिपेयर करते हैं बाय डूइंग अ सर्जरी, बाय गिविंग मेडिसिन, बाय डूइंग सम प्रोसीजर। तो ये हमारे अंदर काबिलियत आती है। जब हम एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं दोस्तों, एमसीएच करते हैं, डीएम करते हैं, तो हम चालू मशीन को ही ठीक कर सकते हैं। ये है फर्क बाकी के मैकेनिक्स मैकेनिकल में और डॉक्टर में, समझे आप? तो चलो ये जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। 15 MCQ आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। कितने? 15। तर एक एमसीक्यू 4 मार्क का, कितने? 15 चौक 60, लक्ष्य 360 पैकी फक्त 360 मधले 60 मार्क फक्त ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह, इतकं महत्वाचं आहे। म्हणून सर्वात अगोदर एवढं जास्त इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून सर्वात अगोदर। आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? ओके, तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेरी गारंटी है आपको ये जो डाइजेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर है, आपको ऐसा लगेगा कि ये बंद ही ना हो, ये चलते ही रहे चाहे कितना भी टाइम लगे, ये गारंटी है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ओके, और पूरे कॉन्सेप्ट के तार अलग कर दूंगा दोस्तों। टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमेशा याद रखो, जब भी TION लगता है तो इसका मतलब कोई तो भी प्रोसेस है। TION लगता है तो कोई तो भी प्रोसेस है दोस्तों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन से टॉपिक्स है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड हमेशा याद रखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर कौन से टॉपिक्स है दोस्तों। नंबर वन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि ये है क्या, बात करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन, नंबर वन। नंबर टू दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें क्या आता है, उसमें आता है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसमें क्या आता है दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर तीसरा टॉपिक है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, ये प्रॉपर जो टॉपिक है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज दोस्तों प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसे कहते हैं डाइजेशन। ब्रेक डाउन करना, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करना, और लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, इसे ही कहते हैं डाइजेशन। ये कैसा होता है तो देखते हैं दोस्तों। ये डाइजेशन ऑफ फूड ये मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस है, हमेशा याद रखो, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल मींस जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग अवर टीथ, और टीथ हम क्या कर रहे हैं, मैस्टिकेशन कर रहे हैं। मैस्टिकेशन मींस जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल है उनको छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और हमारे बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्सिस नाम की मूवमेंट होती है, स्टमक में भी दोस्तों चर्निंग मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन में भी छोटी छोटी मूवमेंट होती रहती है, उसकी वजह से फूड मिक्स होता रहता है। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल प्रोसेस मींस हमारी बॉडी, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, दे हैव सर्टेन ग्लैंड एंड व्हिच रिलीजेस एंजाइम, और उस एंजाइम के हेल्प से हम जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल और ऑब्जर्वेबल फूड में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। सो दिस डाइजेशन ऑफ फूड इज बोथ दोस्तों मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस, मैं डिटेल में बोलने वाला हूं। फिर जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ता है, तो बात करेंगे दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 लास्ट में, ये दोनों टॉपिक है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। और फिर हर एक जो सिस्टम मैंने कहा है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम के 4-5 डिसीज दिए हैं ब्रीफ में। डिसऑर्डर क्या क्या है उस सिस्टम के, मेन डिसऑर्डर यहाँ पे एनसीईआरटी ने ब्रीफ दिए है,
तो हम वो डिसीज करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यहाँ पे है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर, ऑर्डर मीन्स नॉर्मल, डिस मीन्स एबनॉर्मल। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से डिसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो दोस्तों ओमेटिंग है, जॉन्डिस है, डायरिया है, डायरिया टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेशन, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कुछ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि क्वाशरकर है, मेरेस्मस है, उसको भी हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। सो दिस इज अ टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इज दैट क्लियर हो? ओके आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सपोज मान लो ये ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी को दोस्तों रोज जो हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं रोज का, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जो भी डेली एक्टिविटीज के लिए, इसको क्या लगेगी? इसको लगेगी एनर्जी। दैट बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी लगेगी नंबर वन। जब हम काम करते हैं डेली के उसमें कुछ हमारे बॉडी के अंदर डैमेज हो जाएगा। ओके जब हम काम करते हैं तो डैमेज हो सकता है, एक्सटर्नल डैमेज हो सकता है, कोई वुंड हो सकती है, कुछ लग सकता है हमें, या फिर इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। तो उसके लिए चाहिए रिपेयरिंग, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। और जो दोस्तों ये ऐसी बॉडी थोड़ी बने, पहले हम जायगोट थे, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर न्यूबॉर्न, फिर टीनेजर, फिर एडोलेसेंट, फिर एडल्ट, और सीनेसेंट वाले, फिर ओल्ड एज वाले। तो ये जो ग्रोथ हो रही है इसको भी तो कुछ लगेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स लगेंगे ये जो ग्रोथ हो रही है। सो ग्रोथ ऑफ बॉडी, और ये जो ग्रोथ हुई है इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ केमिकल्स लगेंगे, उसे सब केमिकल सब्सटेंसेस लगेंगे। ये सब जो प्रोसीजर है दोस्तों, ग्रोथ जो है, इस बॉडी की ग्रोथ होनी है, इस बॉडी की ग्रोथ होनी है, इस बॉडी की साथ ही साथ डेवलपमेंट होनी है, डेवलपमेंट भी होनी है दोस्तों, इसमें फिर मेंटेनेंस आएगा। ओके ये बॉडी ऐसे ही चलती रहे इसलिए मेंटेनेंस आएगा। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? एनर्जी, इस बॉडी को चलाने के लिए लगेगी एनर्जी। फिर दोस्तों टिश्यू रिपेयर, ओके, और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। और जो हमारे अंदर डैमेज टिश्यू, जो हमारे अंदर दोस्तों जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रेशन है, सर्कुलेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, लोकोमोशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये प्रोसेस करने के लिए भी हमें एनर्जी लगेगी। और जैसे कि मान लो रिप्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी एनर्जी लगेगी। तो ये जो बॉडी करती है इसके लिए दोस्तों ये एनर्जी और इसके लिए केमिकल लगेंगे। ओके ये सब करने के लिए लगेंगे केमिकल सब्सटेंसेस, ये सब के लिए लगेंगे दोस्तों कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उन्हीं सब्सटेंसेस को हम कहते हैं दोस्तों, वी कॉल देम एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे हमारे बॉडी के अंदर नाउ, और ये न्यूट्रिएंट्स दोस्तों अलग अलग फंक्शन, एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इसमें मदद करेंगे। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है न्यूट्रिएंट्स, ये बॉडी को इसमें मदद करेंगे। नाउ और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों? ये जो प्रोसेस है इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दिस केमिकल सब्सटेंसेस फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी और टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज, एनीवन फ्रॉम द क्लास कोई मुझे बता सकता है उस प्रोसेस को क्या का बोला जाता है? सोचो, मैं ना आपको सोचने के ऊपर मजबूर करूंगा। लर्निंग क्या है? What is learning? Einstein कहते हैं learning is when the teacher is making student to think. उनकी thinking ability बढ़ा रहा है teacher. उनकी thinking process को develop कर रहा है. That is learning. उनको knowledge बोल रहा है या फिर information दे रहा है. That is not learning. सोचने के ऊपर अगर वो teacher आपको मजबूर करता है तो that is learning. दोस्तों तो क्या process है? मैंने कहा the process by which a living organism obtain these chemical substances to meet their energy requirement and for the growth and development of body, that process is named as. बोलो क्या कहेंगे? क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। किसने कहा ये? निकिता, बहुत ही बढ़िया। निकिता बहुत ही बढ़िया, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों?
इसे बोलेंगे, आप बोलो, आप चाहे राइजेशन बोलो, असेंबलेशन बोलो, जो चाहे बोलना है बोलो, पर आंसर करो। ये आंसर करना कंपलसरी है, यहां पे चुप बैठना कंपलसरी नहीं है, आंसर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोई लोग बोल रहे हैं डाइजेशन बोलते हैं, कोई लोग बोल रहा है एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि असिमिलेशन है, क्या है वो, ओके उसे कहते हैं दोस्तों आयुष, वाह उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, उसे कहते हैं दोस्तों ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों न्यूट्रिशन। चलो देखते हैं क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन, ओके न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं और व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन देखते हैं, मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। वी आर डीलिंग विद दोस्तों इंट्रोडक्शन, वी आर डीलिंग विद इंट्रोडक्शन, याद रखो वी आर डीलिंग विद इंट्रोडक्शन। नाउ दिस इज स्लाइड नंबर, शायद ये तीन है, एक ये है दो, दिस इज स्लाइड नंबर दो दोस्तों, दिस इज स्लाइड नंबर एक्चुअली तीन है और टॉपिक की दो है, दैट इज फिर दोस्तों बात करेंगे, अभी शुरू करेंगे स्लाइड नंबर तीन। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, मैंने कहा है व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन और इसमें क्या क्या आता है, चलो देखते हैं, ओके सो दोस्तों व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, ये भी एक प्रोसेस है दोस्तों। तो यहां पे एक प्रोसेस नहीं है, इट इज सम ऑफ सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द केमिकल सब्सटेंसेस और ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड इट आल्सो मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। याद रखो व्हाट इज द न्यूट्रिशन, इट इज सम टोटल ऑफ, याद रखो सम टोटल ऑफ मींस बहुत सारे प्रोसेस है, सम मींस बेरीज एडिशन, सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस, एक प्रोसेस नहीं है, सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन केमिकल सब्सटेंसेस और दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स, बाय ऑब्टेन केमिकल सब्सटेंसेस और दोस्तों न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, अ प्रोसेस सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर, किसके लिए, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एंड दोस्तों ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड टू मीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट, टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो भी एनर्जी लगेगी उसके लिए, टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो ये है दोस्तों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये टॉपिक है न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज माय न्यूट्रिशन, एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसे कहते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, याद रखो ये जो न्यूट्रिशन है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइव प्रोसेस, हमेशा याद रखो, दिस न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ फाइव स्टेप, कंसिस्ट ऑफ दोस्तों फाइव प्रोसेस और स्टेप्स, इसमें पांच प्रोसेसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइव प्रोसेस और स्टेप्स। कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई बता सकता है, इन सीक्वेंस मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कौन से पांच प्रोसेस है? अगर कोई मुझे बता सकता है तो मैं उसको, अरे किसी ने तो भी मुझे गूगल पे किया था शायद, मैं उसका 21 रुपए दे नहीं सका, ओके मैं भूल गया, फिर से एक बार मुझे हाई कर दो, आज दो बार है कोई, किसी तो भी दो लोगों को मैंने बोला था, एक का मुझे आया है तो मैं उसको तो भेज दूंगा, पर फिर से एक बार आज मुझे कोई बोलेगा, आज बोलो कि व्हाट आर द फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द फाइव प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या है, क्या क्या है। बहुत ही बढ़िया, सानी का सिंधे इंजेशन, बहुत ही बढ़िया, सिक्वेंस के साथ कहाँ है सानी का ने, इंजेशन सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंस बहुत ही बढ़िया। सानी का आप मुझे भेज दो बेटा, गूगल पे का मेरा नंबर है, मैं आपको बोलता हूँ। दैट इज वैभवी ने, विधि ने भी कहा है,
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर उससे भी पहले सानिका ने कहा था, बहुत ही बढ़िया, इंजेशन डाइजेशन। पर सानिका का थोड़ा सा सीक्वेंस गलत है, और सीक्वेंस सही है किसका, विधि मंत्री। तो बेटा आप मुझे भेज दो विधि, मैं आपको नंबर देता हूं, मेरा नंबर आपके पास है, उसके ऊपर गूगल मुझे हाई कर दो और आपका नाम बोल दो, 21 रुपये मिल जाएंगे। तो इस इट कंसिस्ट ऑफ, दोस्तों याद रखो यहां पे क्या क्या है, याद रखो यहां पे दोस्तों, दैट इज नंबर वन पे है, दैट इज इनजेशन। क्या है? इनजेशन, इनजेशन, इनजेशन बोलते हो। नंबर टू पे बात आता है दोस्तों डाइजेशन, डाइजेशन। नंबर टू पे आएगा डाइजेशन। नंबर थ्री पे आएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मीन डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नंबर चार पे आएगा दोस्तों दैट इज एसिमिलेशन, मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। और नंबर पांच पे आता है दोस्तों रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसे कहते हैं इजेशन, उसे कहते हैं इजेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे? इंजेशन मीन्स दोस्तों इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, खाना लेना, इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। ओके, डाइजेशन मीन्स दोस्तों दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ, दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो फूड इंजेस्टेड हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो खाना हमने खाया है उसको ब्रेकडाउन करना। फिर दोस्तों होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उसे कहेंगे दोस्तों एब्जॉर्प्शन। नाउ एसिमिलेशन क्या होता है, यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, ओके, एब्जॉर्ब्ड फूड, ओके, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और इन टिश्यू, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर फॉर फंक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, ये याद रखो दोस्तों। यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिफरेंट फंक्शंस, इसे कहते हैं एसिमुलेशन। और व्हाट इज मीन बाय इजेशन, इजेशन क्या है दोस्तों, इजेशन मीन्स, याद रखो ये मीन्स रिमूवल, इजेशन प्रोसेस क्या है, इजेशन, इट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इसे कहते हैं इजेशन, इट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है दोस्तों उसको बॉडी के बाहर फेंकना, इसे कहते हैं इजेशन, इट इज नेम्ड एज इजेशन। ये एमसीक्यू आते हैं, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, ये एमसीक्यू आएंगे दोस्तों, दैट इज मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, और इसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं कि इसका एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या है। तो ये पूरा अगर आपको सीक्वेंस पता रहेगा तो इससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। और इस इजेशन का दूसरा नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इजेशन, अनदर नेम फॉर इजेशन क्या है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है, ये सिलेबस में है, ये ब्रैकेट एमसीक्यू है। एक्सक्रिएशन गलत, इजेशन और एक्सक्रिएशन में मैं फर्क बताना चाहूंगा, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इजेशन, क्या बात है यार नंदिनी, इसे कहते हैं डिफिकेशन, अनदर नेम फॉर इजेशन, इसे कहते हैं दोस्तों डिफिकेशन, याद रखो इसे बोलेंगे डिफिकेशन, दिस इज एन अनदर नेम फॉर इजेशन, और मैं बताऊंगा एक्सक्रिएशन और डिफिकेशन में क्या फर्क है। नाउ दोस्तों यह है न्यूट्रिशन, कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोसेसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। नाउ याद रखो इसमें ना 3 जेशन है, जेशन, जेशन और जेशन, 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 इनजेशन, डाइजेशन, इजेशन, इनजेशन, डाइजेशन, इजेशन, याद रखो। और बीच में है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, Are you getting me or not? और मैं आपको इजेशन और एक्सक्रिएशन का डिफरेंस बताना चाहूंगा, किसी ने तो भी एक्सक्रिएशन बोला था इसलिए, इज दैट क्लियर हो, ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है या नहीं बोलो, इज दैट क्लियर हो, ये क्लियर है, यस। याद रखो डिफिकेशन इज अनदर नेम फॉर इजेशन, डिफिकेशन इज अनदर नेम फॉर इजेशन। नाउ बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई मुझे बता सकता है,
अगर उसी ने मुझे बता दिया तो 51 रुपए का बख्शीश, 51 रुपए का। चलो अगर कोई मतलब गूगल करा इसने, चीट मारा इसने, नेवर चीट योर वर्क, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ओके चीट मारा इसने, कौन संगता अनम्यूट करूं, अनम्यूट करूं का कौन संगता मारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस्तों इजेशन एंड एक्सक्रेशन, मैं तला अनम्यूट कर दू, कौन संगता मारा डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रेशन। ये बहुत बड़ा लेवल का एमसीक्यू है, अगर पूछेंगे तो जिस जिसको पता है उसी को आंसर आया है, फेंकने से कुछ काम नहीं चलेगा, या फिर जो जिसको कॉन्सेप्ट लगाना आता है, कनेक्टिंग एमसीक्यू बनाना आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड इजेशन, याद रखो एक्सक्रेशन, सॉरी इजेशन इज रिमूवल ऑफ लेफ्ट ओवर मैटर। सर आई कैन, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मुझे अनम्यूट करो, कौन बोल रहा है अनम्यूट करो, मी रोहित मटकर, ओके शिवानी वैभवी, ठीक है चलो पहले कौन बोला था उसको करते हैं, ठीक है चलो अथर्व शिंदे, चलो कितने आथर हुए, चार आथर हुए, हम बोल बेटा आथर। सर इजेशन मुझे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस सर, आणि एक्सक्रीशन म्हणजे रिमूवल ऑफ यूरिन थ्रू थ्रू द यूरेथ्रा सर। ओके ये करेक्ट है, पर एक्चुअली एक्चुअली नो डाउट आपका आंसर करेक्ट है, पर जिस सर और एक पॉइंट सर, और एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीट होता है सर। बराबर, और बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रोसेस में क्या डिफरेंस। चलो आपने कहा कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से सब्सटेंसेस कहां से किस प्रोसेस से बाहर जाते हैं, ये कहा, बट बेसिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन, बेसिक जो डिफरेंस वो तो आपने बताया नहीं, इजेशन वर्सेस एक्सक्रीशन दोनों में भी बेस बाहर जा रहा है, पर क्या फर्क है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फिजियोलॉजी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं सर। एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक फेज आता है, दैट इज नाइट्रोजन। हां सर एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक फेज बाहर जाता है ह्यूमन बॉडी से, दैट इज द नाइट्रोजन। हां और यहां पे सर इजेशन में मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल जाता है। बहुत ही बढ़िया, आप सही हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप तो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही है, पर मुझे जो चाहिए वो नहीं है, आपका आंसर सही है। यस सर, हाँ गलत नहीं हुआ, सही है, आपने किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या फर्क है, आप बताओ क्या फर्क है, आप बताओ क्या फर्क है, यह है मान लो ओरल कैविटी, यह है मान लो लारिंग्स, और मान लो यह है इसोफेगस, मान लो यह है दोस्तों स्टमक, यह है एलिमेंट्री कैनल, और यह है एलिमेंट्री कैनल, मान लो एक्चुअली होता रहे तो मान लो, और फिर यह है ब्लड वेसल्स, यहाँ से कुछ फूड स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, ओके इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, और यहाँ से ब्लड में जाके फिर कुछ दोस्तों मेटाबॉलिज्म हुआ है, और बाकी का फूड जो है बाकी के सब्सटेंसेस किडनी से ठीक है बाहर आ गए, इतने में चले गए
और वो किडनी से बाहर निकल जाए। तो आपको क्या लगता है ना, कुछ सब्सटेंसेस डायरेक्टली यहाँ से बाहर आए, उन्होंने ना वो एब्जॉर्ब हुए ना डाइजेस्ट हुए, वो बाहर आए। तो ये जो है दोस्तों इट इज इंजेशन, ये है इट इज इंजेशन, और ये जो है दोस्तों इट इज एक्सक्रीशन। क्या फर्क है तो मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड एक्सक्रीशन? सोचो दोस्तों क्या हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड एक्सक्रीशन? क्या डिफरेंस है? दो मिनट। आओ, ये तो दोस्तों ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहां से कुछ फूड डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से किडनी में चला गया, और जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट हो गया किडनी से, और यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो अनएब्जॉर्ब्ड है वो इजेशन हुआ है थ्रू एनस से। तो दोस्तों ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन इजेशन एंड इंजेशन एक्सक्रीशन? कोई मुझे बता सकते हैं? किसी ने तो भी आंसर कहा, आप समझो मैं क्या, सॉलिड गिल कुछ नहीं, जरा लक्ष्य था कोने तरीका एकदम जबरदस्त बोला है लगले, वाह वाह थाम बात ऐसा नाव पन संग तो कोने थे। इजेशन मींस इन एक्सक्रेशन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड इन इजेशन एब्जॉर्प्शन एब्सेंट अजय जग तब तक कळले बघा काय गोष्टी। इन इजेशन अंडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, इन एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट आर थ्रोन आउट। इजेशन मीन्स एक्सक्रेशन ऑफ स्टूल, गलत। चला एग्जैक्ट कहले कि एब्जॉर्प्शन होय लागले इकडे, एक्सक्रेशन द्वारे, एक्सक्रेशन जब होता है तो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस का एक्सक्रेशन होता है, और इजेशन जो होता है वो अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंसेस है उन्हीं का इजेशन होता है। बात करते फिर एक बार दोस्तों, इजेशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विदाउट, ये शब्द किसी को पता नहीं है, विदाउट क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, हमेशा याद रखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे जिसका भी इजेशन होने वाला है। माउथ से ले लिए, एक ट्यूब है हमारे बॉडी के अंदर जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फैरिंग्स, फैरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। कहां पे क्रॉस किया है इसने, आपको लगता है कहां पे क्रॉस किया है? सीधा बाहर है, एक यहां पे एक ओपनिंग है जिसे कहते हैं माउथ, एंटीरियर एंड पे एक ओपनिंग होती है और पोस्टीरियर एंड पे ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं एनस। माउथ से ले लिया, एनस से बाहर, इजेशन विदाउट क्रॉसिंग एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर यहां पे एब्जॉर्ब हुआ है, यानी जो इंटेस्टाइन के सेल्स है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस की है, जो ब्लड वेसल के सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस की है, किडनी में जो सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस की है। एक्सक्रेशन, ये बहुत ही बड़े लेवल के एमसीक्यू की बात कर रहे हैं दोस्तों, रिमूवल ऑफ टॉपर को ही आंसर आएगा, जो 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स देगा इसे आंसर आ जाएगा, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट, दोनों में वेस्ट का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, ओके फ्रॉम द बॉडी दोस्तों, दैट इज आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वेस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज द की वर्ड हियर, क्रॉसिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द की वर्ड हियर, आर यू गेटिंग मी ऑर नो? और जो है एब्जॉर्प्शन, अजय ने सही बताया, समझ रहे हो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो बोलो, ओके यस और नो, सब लोग किसी को भी पूछो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। अथर्व ने जो बताया वो 100% ट्रू है, बट प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस दोनों में ये फर्क है, इजेशन में अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बाहर फेंके जाते हैं और एक्सक्रीशन में जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो बाहर फेंके जाते हैं। नंबर 1, इजेशन में जो ऐसे सब्सटेंसेस बाहर फेंके जाते हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी क्रॉस ही नहीं किया है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद जो सब वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर फेंका जाता है, समझे? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड आई थिंक दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई कॉल इट एज अ कॉन्सेप्ट। तो ये है बेसिक डिफरेंस दोनों का, इज दैट क्लियर हो? थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस है,
इसके बारे में बात की। अभी दोस्तों बात करते हैं व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। सोच हर बार मैं आपको सोचने के ऊपर मजबूर करूंगा। ये मेरा हैंड सब्जेक्ट है दोस्तों, ये मेरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके है ना। तो मैं आपको तो पता है अगर मैं बॉटनी एक अलग ढंग से पढ़ा सकता हूं तो ये तो जूलॉजी है और उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। तो आपको एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अट्रैक्शन बनेगा आपके मन में जब आप फर्स्ट ईयर को जाओगे ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी लेके बैठोगे, ये मेरा वादा है। पर साथ साथ हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा दूंगा। ये तीनों का मिक्सचर है एमबीबीएस में, तीनों जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ये तीनों का मिक्सचर आता है ये टॉपिक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स और देयर टाइप्स, टाइप टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टाइप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से मुझे पता चलता है कि मुझे नीचे क्या पढ़ना है, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए हमेशा टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते जाओ हमारे ब्रेन में। मैंने क्या कहा, मैंने क्यों कहा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स है, और मैं हर बार क्यों लिखता हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमें पढ़ना क्या है और उसी हिसाब से हमारा ब्रेन सोचता है। सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प इन न्यूट्रिशन, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ आपको कुछ डेफिनेशन बोरिंग लगेंगे यार, ये तो हमें पता है पर फिर भी लिखना है। विराट कोहली को क्रिकेट का सब कुछ पता है, बॉल कैसे पड़ने वाला है, फिर भी प्रैक्टिस करता है, इसलिए दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सब है ग्रोथ डेवलपमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ दोस्तों, डेवलपमेंट मेंटेनेंस ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। दे ऑल्सो हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, दे आर रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी। ये उनके इतने सारे काम है, एनर्जी प्रोडक्शन ओके इन बॉडी। सो इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, इसके बेसिक दो टाइप है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, ओके बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोई मुझे बता सकता है? तो दोस्तों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिलेबस में है, दैट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और दोस्तों कुछ होंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि आयन या फिर मॉलिक्यूल या मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड ऑल दैट, वाटर भी इनऑर्गेनिक है दोस्तों। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या आएंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च है, ग्लूकोज है वो, जैसे प्रोटीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन है एल्बुमिन एंड ऑल दैट प्रोटीन दोस्तों, लिपिड है अलग अलग टाइप के लिपिड, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आता है, न्यूक्लिक एसिड। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, उसमें आएगा वाटर, वाटर न्यूट्रिएंट्स है, हाँ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दोस्तों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस और इट ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ अवर बॉडी, वो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है और वो इनऑर्गेनिक है। और दूसरे दोस्तों मिनरल्स जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, आपको पता है ना, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये सब मिनरल्स ओके कुछ ना कुछ रोल प्ले करते दोस्तों। आप अगर अब सभी मल्टीविटामिन में इनके टैबलेट ले रहे हैं जिसका नाम है जिंकोविट। जिंकोविट क्या है, एक टैबलेट है जिसमें मिनरल्स है बहुत सारे और विटामिन भी है। तो ये जो जिंक क्या करता है, जिंक इनहिबिट द रिप्लीकेशन ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का मल्टीप्लीकेशन ही इनहिबिट करता है जिंक नाम का जो मिनरल्स है वो। तो दोस्तों तो इसलिए हम वो जिंक जिंकोविट नाम की टैबलेट लेते हैं, जिंकोविट। तो ये जो मिनरल्स है दे आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मेरा आपसे एक सवाल है,
विटामिन्स को मैं कहां पे रखूं? आर द विटामिन्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? क्या है विटामिन्स? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? चलो बोलो, बस बस विटामिन्स क्या है? सोचो पुष्कर, ओंकार, खुशी। ओके, क्योंकि कैसा है ना, कार्तिका बोल रही है ऑर्गेनिक है, वाह। सचिन थोरत बोल रहा है ऑर्गेनिक है, वाह। प्रतीक भी बोल रहा है ऑर्गेनिक है। हर्षल खंबट बोल रहा है ऑर्गेनिक है। दोस्तों हमेशा याद रखो, हमने क्या पढ़ा है, मिनरल्स और विटामिन, मिनरल्स और विटामिन, मिनरल्स और विटामिन। साथ जैसे लगता है कि ये जय वीरू की जोड़ी है, जैसे लगता है दोस्तों ये जय वीरू की जोड़ी है, जैसे लगता है ये सचिन गांगुली की जोड़ी है। आपके टाइम के कौन है ओपनर? रोहित शर्मा, और कौन है दूसरा वो मूछ वाला, कौन है वो बैट्समैन? शिखर धवन की जोड़ी है। ओके, पर नहीं है, याद रखो, वो इसलिए रखे गए हैं साथ में क्योंकि बोथ आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन, विटा मींस लाइफ, अमाइन मींस दीज आर द, अमाइन क्या है बोलो? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइन, ईस्टर, एसिड, खास करके ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स। अमाइन कहां पे है सिलेबस में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है अमाइन नाम का टॉपिक। सो विटामिन, दीज आर द अमाइनिक, अमाइन के पहले जो मिले थे वो अमाइन थे, और विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, विटामिन्स लाइफ दोस्त, विटामिन्स लाइफ। तो विटामिन ना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एमसीक्यू है। विटामिन्स जो है दोस्तों, दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे ई नहीं है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? वो मिनरल के साथ यहाँ पे नहीं है, तो सर कहाँ पे वो मिनरल के साथ? मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे वो मिनरल के साथ। ओके, फैट क्या है? फैट यानी लिपिड, लिपिड यानी फैट, वो ऑर्गेनिक ही है। लिपिड यानी फैट, वो ऑर्गेनिक है दोस्तों। चलो बात करते हैं, अभी तो टॉपिक भी शुरू नहीं किया है। नाउ व्हाट आर द अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। दोस्तों ये तो होता है केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमेशा याद रखो। बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन दोस्तों, या फिर रिक्वायरमेंट मींस क्वांटिटी कितनी है, तो उसके ऊपर दो टाइप होते हैं। एक है दोस्तों दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लास्ट पॉइंट है ये, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दोस्तों दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिक और मैक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो है, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये बड़े क्वांटिटी में लगेंगे, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में लगेंगे, इन्हें कहेंगे दोस्तों दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी में लगेंगे, इसका नाम है दोस्तों दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, यूज्ड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, और दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ बॉडी, और ओके नो रोल, इनका कुछ भी रोल नहीं है, नो रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो माइक्रो है, नो रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में रोल नहीं, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। तो ये दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ कहां पे आएंगे, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यहां पे फोर मैक्रो मॉलिक्यूल है और चार लोग है, वो है दोस्तों दैट इज कार्बोहाइड्रेट, हमेशा याद रखो कार्बोहाइड्रेट, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, लिपिड और फैट, दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रो में कौन आता है दोस्तों? माइक्रो में आएगा वाटर, क्या बात करें सर, हाँ वाटर, इसमें आएंगे मिनरल्स, हाँ मिनरल्स भी दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, वाटर तो ज्यादा लगता है खास करके दोस्तों, दैट इज मिनरल्स, और विटामिन्स यहां पे आएंगे, वो विटामिन के मिनरल के साथ विटामिन यहां पे आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट में, और वाटर भी है वाटर, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वाटर कभी एनर्जी नहीं बनाएगा दोस्तों, पर इनकी अगर डिफिशियंसी हुई, डिफिशियंसी ऑफ दीज लीड टू डिसीज, अगर इनकी डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी ऑफ दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी अगर थोड़ी भी कमतरता हुई
न्यूट्रिएंट्स दोस्तों एल ऑब्लिक टी लीड टू डिसीज, बॉडी में डिसीज हो जाएगा, विटामिन की डिफिशियंसी होगी, मान लो विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो रिकेट हो जाता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखो ड्राइनेस ऑफ आईज हो जाता है, ओके आईज ड्राई होती है उसे कहते हैं जेरोप्थैल्मिया। तो मिनरल की डिफिशियंसी से, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या डिसीजेस होते हैं बॉडी में, और ये है दोस्तों टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी एंड फंक्शन। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एमसीक्यू, माइक्रो न्यूट्रिएंट नो प्ले नो रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। और ये चार माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, और ये बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये है स्लाइड नंबर 6, और आज रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और इन्हीं का फिर होता है डाइजेशन, इसके बारे में बात करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुकते हैं क्योंकि शायद मुझे लगता है आपका दूसरा लेक्चर होगा। ओके बढ़िया, थैंक यू। आएगा एटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके आएगा, एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक ही मिनट, एक ही मिनट, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेने दो, मैसेज मत करो, हाँ एक स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, अभी बोलो। तो कैसा लगा आपको टॉपिक दोस्तों? अगर कुछ डाउट है आपके तो बोल सकते हैं, ओके कड़ाई लग ले। साढ़े दहा लाख का दूसरा लेक्चर तुम सब, बर ठीक है, मैं थोड़ा सा उधर चले गए। थैंक यू स्वराज, व्हाट्सएप पर डाउट टाकले बगतो, ओके हाँ मजा येईल पुढत। आणखीन डायजेशन सुरू झालेलं नाही, तुम्हाला न्यूट्रिशन नावाची प्रोसेस होती बघा, ओके ये एनसीईआरटी सिलेबस है बेटा, दिस इज एन एनसीईआरटी, याद रखो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, पर जो टीचर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, जिस टीचर ने 350 मार्क्स लाए आउट ऑफ 360, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ये नहीं है एनसीईआरटी में, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नहीं है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पर ये कहीं तो भी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, इसके एमसीक्यू लगेंगे, ये बेसिक नॉलेज लगेगा दोस्तों, ओके आप बोलोगे सर लाइन टू लाइन पढ़ाओ, और लाइन टू लाइन ही पढ़ाता हूं मैं, एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करता हूं, उसके लिए डीएनआरपी है, पर दोस्तों कॉन्सेप्ट खुलने चाहिए, याद रखो ठीक है। आप एक दो लेक्चर से जज मत करो, और अगर आपको भरोसा नहीं है किसी टीचर के ऊपर तो ये आपकी बात है, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो बायोलॉजी का है दोस्तों लेक्चर, ये एनसीईआरटी बेस्ड भी होता है, पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है हर बार, ये हमेशा याद रखो, ओके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, तो ये एनसीईआरटी सिलेबस। भेटू या 1:15, ठीक है, कुछ नए बुक की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड द एनसीईआरटी, ठीक है। आणि महाराष्ट्राचा सिलेबस सुद्धा कवर होईल बोर्डाचा, पण मेनली वी आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, मेनली वी आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। डीपीपी है जो डीपीपी दोस्तों, हम वो जो टॉपिक चल रहा है उसी के डीपीपी करेक्ट करेंगे, मैं आपको बोल दूंगा कि किसका डीपीपी रहेगा, क्योंकि कैसा है डीपीपी ना, डीपीपी में ना हर लेक्चर के ऊपर डीपीपी लेना, इतने क्वालिटी एमसीक्यू नहीं बनते हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि कल किसका डीपीपी है, या फिर 8 दिन का एक शेड्यूल दे दूंगा कि ये इसके ऊपर डीपीपी है, थोड़ा सा एक बार जाने दो, ठीक है। ठीक है चलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, यस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयुष दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, आपका पहला ही दिन था तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, इट इज एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग, पर कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। बोलो क्या डाउट है आपको नितिन? महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये एनसीईआरटी मध्ये फरक आहे, महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये इन्फॉर्मेशन जरा डिटेल है, आज ही कलेक्ट कर सकते हो, कल क्यों?
आय ऑब्लिक टी नाही ते एल ऑब्लिक टी आहे लीड टू एल ऑब्लिक टी म्हणजे लीड टू एल ऑब्लिक टी म्हणजे लीड टू लीड टू एल ऑब्लिक टी है वो लीड टू लीड टू ठीक है। नवीन बैच च्या मुलांनी सवा एकला पण यायचंय ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड पूजा डीएनए और आरएनए को बोलते न्यूक्लिक एसिड।